हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज के इस वीडियो में हम आपको एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी की सैर पर ले जाने वाले हैं, जहां आपको इस्लामिक और अरेबिक वास्तुकला के कई शानदार नमूने देखने को मिलेंगे। ये दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर में स्थित एयरपोर्ट वर्ल्ड क्लास का बेस्ट एयरपोर्ट है। साथ ही ये शहर अपने स्टेडियम्स के कारण भी प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड स्टेडियम भी इसी शहर में मौजूद है, और साथ ही इस शहर को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर को मिनी दुबई भी कहा जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के एक बेहद ही खूबसूरत देश कतर की कैपिटल सिटी दोहा की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं दोहा के एक शानदार सफर पर। वर्तमान समय में दोहा की जनसंख्या 6,50,000 के आसपास है। तो वहीं दोहा में करीब 65% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, तो वहीं 15% लोग हिंदू समुदाय के हैं, 14% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और करीब 3% लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ रहते हैं। दोहा के नियमों के मुताबिक यहाँ पर किसी भी धर्म या संप्रदाय की निंदा करना गैर कानूनी है। इसके लिए आपको जेल या फिर इससे कड़ी सजा भी हो सकती है। दोहा के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। करीब 60-70% लोग पूरे कतर में दोहा के आसपास ही बसे हुए हैं, और इस शहर में आपको काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि रोजगार की तलाश में दुनिया भर से लोग यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं। सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के लोग दोहा में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों के लोग बड़ी संख्या में यहाँ देखने को मिलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 180 देशों के लोग कतर में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि अरबी के बाद यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, दोहा की स्थापना सन 1820 में हुई थी, हालांकि इससे पहले से भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 1971 में ही कतर को ब्रिटेन की हुकूमत से आजादी मिली और आधिकारिक तौर पर दोहा को कतर की राजधानी घोषित किया गया। लंबे समय तक दोहा के लोग फिशिंग और मोतियों के कारोबार पर ही निर्भर थे। सन 1939 में यहाँ पर तेल की और सन 1971 में नेचुरल गैस की खोज यहाँ की गई। इसके बाद दोहा संघ पूरे देश में तेजी से विकास कार्य हुए और बहुत कम समय में ही इस देश ने काफी तेजी से तरक्की की। आज दोहा को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज से 6-7 दशक पहले यहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था। लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान भी नहीं थे और पानी की भी इस देश में भारी किल्लत थी। हालांकि पानी की समस्या आज भी दोहा में देखने को मिलती है, लेकिन अब आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से दोहा में समुद्र के पानी को डिसैलिनेशन प्रोसेस के जरिए फिल्टर कर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरह से पानी को फिल्टर करना थोड़ा महंगा भी पड़ता है, और यही वजह है कि यहाँ पर आपको पेट्रोल 35-40 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन 1 लीटर पानी के लिए आपको इससे कहीं ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। अब इस शहर की बात ही अलग है। दोहा को आज वर्ल्ड की बेस्ट सिटीज में से एक माना जाता है। साल 2011 में दोहा को फोर्ब्स ने 15 बेस्ट न्यू सिटीज फॉर बिजनेस की सूची में शामिल किया। दोस्तों, अगर आप दुबई घूमना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है, तो आप दोहा सिटी की सैर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दुबई की तरह ही चारों ओर गगनचुंबी इमारतें और स्काईस्क्रैपर्स देखने को मिलेंगे। साथ ही दुबई की तरह ही खूबसूरत समुद्री तट और डेजर्ट सफारी का आनंद भी आप ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस शहर के लोग दुनिया में सबसे अमीर लोगों में शुमार है। यहाँ के लोगों की सालाना पर कैपिटा इनकम $65,000 से भी ज्यादा है, जो अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों से कहीं ज्यादा है। इस शहर में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। इस शहर में वैसे तो खेती लायक जगह बहुत कम है, और यहाँ पर खाने पीने का सभी जरूरी सामान अन्य देशों से इम्पोर्ट किया जाता है, लेकिन खजूर की खेती कुछ इलाकों में होती है। यहाँ पर लोगों को अपनी कमाई पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसके अलावा सरकार अपने नागरिकों को बिजली, गैस जैसी सुविधाएं भी मुफ्त में देती है। दोहा के लोगों की लाइफस्टाइल भी कमाल की होती है, और हो भी क्यों ना, अब लोगों के पास इतना पैसा होगा तो वे उसे खर्च भी तो करेंगे। हर किसी के पास यहाँ अपना घर और महंगी गाड़ियाँ देखने को मिलती है। साथ ही एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पूरी तरह से फ्री है। अब आप ही बताइए, भला कौन ऐसे शहर में रहना नहीं चाहेगा जहाँ बिना टैक्स दिए आपको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हो। दोहा का लिटरेसी रेट 97% है, जो अन्य मिडिल ईस्ट की सिटीज से काफी बेहतर है। दोहा में कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज भी मौजूद हैं। दिन ब दिन दोहा की फिल्म इंडस्ट्री तरक्की कर रही है, और यहाँ पर हर साल दोहा ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल, टेडेक्स दोहा और अजयाल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के कॉन्सर्ट्स यहाँ पर आयोजित होते हैं। दोस्तों, दोहा में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंटिन्यूस साइकिल ट्रैक बना हुआ है, जो 33 किलोमीटर लंबा है। यह ट्रैक कुल 18 अंडरपास से होकर गुजरता है। दोस्तों, दोहा में मेट्रो ट्रेन की भी सुविधा मौजूद है। इस रेल लाइन का निर्माण फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों के दौरान किया गया था। इस वर्ल्ड कप को इतिहास का सबसे महंगा टूर्नामेंट माना जाता है, जिसके लिए कतर ने 230
$37 बिलियन खर्च कर दिए। इस टूर्नामेंट के लिए दोहा में 8 शानदार स्टेडियम्स बनाए गए जो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे बेस्ट स्टेडियम है। यहाँ पर फुटबॉल खेल तो लोकप्रिय है ही, इसके अलावा बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, स्विमिंग पूल और बोट रेसिंग जैसे स्पोर्ट्स भी काफी पसंद किए जाते हैं। आपको बता दें कि साल 2030 में होने वाले साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन भी दोहा में ही किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोहा के जायके की। मजबूस दोहा सहित पूरे कतर की सबसे लोकप्रिय डिश है। इसके अलावा सलूना, वरक एनम, मदरौबा, कौसा महशी और लुकैमेट जैसे डिशेस का आनंद भी आप ले सकते हैं। अगर आपको नॉनवेज पसंद है तो ये सभी डिशेस आपको जरूर पसंद आएगी और कई जगह इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको बने हुए मिल जाएंगे जहां आप नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक हर तरह के पकवानों को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप दोहा घूमने जा रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले तो आप रमजान के महीने में दोहा घूमने बिल्कुल मत जाइए क्योंकि इस दौरान शहर में आप खुले में खाना नहीं खा सकते हैं और दिन के समय बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट के साधनों को बंद कर दिया जाता है क्योंकि रमजान का महीना इस्लामिक धर्म का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और कतर एक इस्लामिक देश है। दोहा में दो तरह के लॉज फॉलो किए जाते हैं, एक सिविल लॉ और एक शरीयत लॉ। शरीयत लॉ में इस्लाम धर्म की परंपराओं का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोहा में आप किसी भी अनजान शख्स की फोटो बिल्कुल ना क्लिक करें और खास तौर पर वहां की पुलिस, आर्मी या फिर महिलाओं की। साथ ही अनजान महिलाओं से बात करने या उनसे हाथ मिलाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें। अनजान महिला और पुरुष की बात करना दोहा में अच्छा नहीं समझा जाता। अगर आपको रास्ता पूछना है या कोई हेल्प चाहिए तो किसी मेल से ही आप बात करें। महिलाएं अगर दोहा घूमने जा रही हैं तो अपने कपड़ों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे कपड़े पहने जिससे आपके कंधा और घुटने ना नजर आए। वैसे तो सैलानियों के ऊपर यहाँ ज्यादा रोक टोक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप जिस देश में घूमने जा रहे हैं वहाँ की परंपराओं और प्रतिष्ठा का ध्यान रखें। दोहा में खुले में शराब पीना बिल्कुल मना है और इसके लिए भी आपको जेल हो सकती है। साथ ही इस शहर के लोगों के साथ आप बदतमीजी बिल्कुल ना करें। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दोहा की उन जगहों के बारे में बताते हैं जहाँ घूमने के लिए आप जा सकते हैं। म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट इस शहर का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आर्ट म्यूजियम। यहाँ पर इस्लाम धर्म से संबंधित कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। 1400 सालों की कई महत्वपूर्ण पेंटिंग्स और अन्य चीजों को यहाँ पर संग्रहित करके रखा गया है। कॉर्निश दोहा का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ आप समुद्र के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। सी लाइन बीच रिजॉर्ट दोहा का सबसे खूबसूरत बीच माना जाता है। यहाँ पर कई प्रकार की एक्टिविटीज आप ट्राई कर सकते हैं। पूरे दोहा शहर की शानदार इमारतों का व्यू यहाँ से नजर आता है। आप अपने पार्टनर के साथ सनसेट और सनराइज के दृश्य भी यहाँ देख सकते हैं। द पर्ल दोहा एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। ये कतर की पहली ऐसी जगह है जहाँ पर विदेशी लोग और गैर मुसलमान भी जमीन खरीद सकते हैं। आज ये आइलैंड एक प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। एस्पायर जोन भी दोहा में काफी लोकप्रिय है। इस जोन के अंतर्गत तीन चीजें आती है। पहला है विलागियो मॉल जो दोहा के सबसे शानदार मॉल्स में से एक है। यहाँ आपको सभी इंटरनेशनल ब्रांड्स के आउटलेट मिलेंगे जहाँ आप अपनी पसंद के अनुसार शॉपिंग कर सकते हैं। गोंडोलानिया पार्क एक एडवेंचर पार्क है जहाँ कई प्रकार की राइड्स आप एंजॉय कर सकते हैं। एस्पायर जोन में तीसरी जगह है एस्पायर पार्क जो दोहा का सबसे बड़ा पार्क है। इस पार्क में कई खूबसूरत फाउंटेन्स लगे हुए हैं। यहाँ आप पिकनिक मनाने जा सकते हैं। साथ ही टॉर्च टावर का दृश्य भी यहाँ से नजर आता है। दोहा की सबसे हॉट टूरिस्ट प्लेसेस में सौक वकीफ भी शामिल है। ये एक ट्रेडिशनल बाजार जैसा नजर आता है। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो एक बार इस मार्केट में आप जरूर विजिट करें। यहाँ पर आप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, परफ्यूम, स्पाइसेस और अगरबत्तियां खरीद सकते हैं। दोहा और कतर के इतिहास के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो कतर नेशनल म्यूजियम में आप विजिट कर सकते हैं। दोहा की प्रसिद्ध डेजर्ट सफारी का आनंद लेना आप बिल्कुल न भूलें। और अंत में कतारा कल्चरल विलेज की सैर भी आप एक बार जरूर करें। यहाँ आपको पता चलेगा कि आज से 100 साल पहले कतर में लोग किस तरह रहा करते थे। ये कल्चरल विलेज अपने इवेंट्स और फेस्ट्स के कारण भी प्रसिद्ध है। दोहा घूमने जाने का सबसे अच्छा समय दिसंबर से मार्च के बीच माना जाता है क्योंकि गर्मियों के दौरान यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है और ऐसे मौसम में आप इस शहर में घूमने का मजा नहीं ले पाएंगे। दोहा का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ का प्रमुख हवाई अड्डा है और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2021 में इसे दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और दोहा घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि दोहा में इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। आप ऑनलाइन ई वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप अकेले हैं तो आपको दोहा घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 1,10,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, दोहा की करेंसी है कतरी रियाल। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर दोहा। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में, और अगर आपने कभी विजिट की है इस शहर की तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमारे
साथ शेयर जरूर करें। फिलहाल वीडियो में दीजिए इजाजत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।